एक चीज बहुत क्लियर है कि यूजुअली वेलकम तो बुके से लीडर्स को किया जाता है, पर जब हम प्रोटेस्ट मोड पे हैं, बुकेस नहीं है हाथ में, पर एक चीज है हाथ में नहीं दिल में, दैट इज द डिटर्मिनेशन टू फाइट बैक द पॉलिसीज। और इस डिटर्मिनेशन के साथ, इस डिटर्मिनेशन के साथ मैं क्या बोलूं, व्हेन शरद जी यहां है एज अ सीनियर मोस्ट अवेलेबल ऑन द बोर्ड एंड एज अ फ्रेंड ऑफ द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स मूवमेंट ऑफ द कंट्री, शरद जी हैज ऑलवेज बीन विद अस। इसमें और उसके बाद यंगेस्ट में चला जाता हूं। एक वॉइस है विच हैज क्रिएटेड, मैं तो बोलूंगा रेवोल्यूशन, अ वॉइस ऑफ द यूथ इन द कंट्री, दैट इज जिग्नेश ओवर हियर। वी आर प्राउड टू हैव यू। अली अनवर साहब, अगेन सर, फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स, मैं तो बोलूंगा टीचर्स मूवमेंट विदाउट योर गाइडेंस वुड हैव बीन ऑर्फन्ड, एंड यू हैव बीन विद अस, एंड कंधे पे कंधे एक साथ टीचर्स के साथ वो लड़े हैं। वी हैव नो वर्ड्स टू थैंक यू। एंड देयर इज अनदर वॉइस अमंगस्ट अस, नहीं लोकल वॉइस के पहले, लोकल वॉइस को तो मैं लास्ट में थैंक यू करूंगा। मैं तो ये बोलूंगा कि आप उत्तर प्रदेश की तो वॉइस हो ही धर्मेंद्र यादव जी, और मैं चाहता हूं और हम लोग सब चाहते हैं आने वाले दिन में इस इशू का आप ऑलरेडी लीड ले चुके हो। हम चाहते हैं आपके मार्फत से, समाजवादी पार्टी के टॉप मोस्ट लीडरशिप से, आपके थ्रू ये हमारा रिक्वेस्ट है। एंड आई नो दैट इफ देयर इज एनी पार्लियामेंटेरियन, मैं दावा के साथ बोल रहा हूं, इरेस्पेक्टिव ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, जो हायर एजुकेशन में रिप्रेजेंटेशन के मुद्दा लेके, ये नहीं कि आज फ्रंट्स लड़ रहे हैं, बहुत पहले से अगर कोई लड़ रहे हैं, उनमें यंग तो हैं, जुझारू हैं, तो धर्मेंद्र यादव जी को धन्यवाद सर। पंकज पुष्कर जी को मैं वेलकम बाहर के आदमी के रूप में कर ही नहीं सकता हूं, तो मैं ये बोल सकता हूं हमारा लोकल एमएलए के तहत, इंटेलेक्चुअल के तहत, दोस्त के तहत आप हमारे बीच में हैं। थैंक यू पंकज पुष्कर जी। हमें ऑर्गेनाइजर्स ने बोले वेलकम करने के लिए, एक चीज बहुत क्लियर है, व्हेन सेगमेंट्स वी शुड गेट एक्स परसेंटेज, उनको डेसिमल पॉइंट ऑफ दैट एक्स परसेंटेज दिया जाता है, डेसिमल परसेंटेज दिया जाता है, देयर कैन बी नथिंग वर्स देन दिस। इवन आफ्टर सो मेनी इयर्स, जब ऑल सेगमेंट्स टीचिंग एंड नॉन टीचिंग, द इंटेलेक्चुअल्स ऑफ द कंट्री, थिंकर्स ऑफ द कंट्री को रोड पे उतारा जाता है, देयर इज समथिंग एब्सोल्युटली रॉन्ग इन आवर सिस्टम। और इन द रीसेंट पास्ट जो अटेम्प्ट्स हुए हैं, मैं ये भी मानता हूं द लास्ट 10 इयर्स 15 इयर्स में ऑन द क्वेश्चन ऑफ अफर्मेटिव एक्शन आगे हम बढ़े हैं, बट द पेस बहुत ही स्लो है, और जब स्पीड पकड़ने का कोशिश होता है तभी अड़ंगा लगाया जा रहा है। और दुख की बात है कि जुडिशियरी के द्वारा उनके हेल्प के साथ ये कोशिश किया जा रहा है, दैट इज द सैडेस्ट पार्ट। और हमें क्या मिल रहा है, एसएलपी कर दिए हैं, इनफॉर्मली बोल दिए हैं, हमें कोई इनफॉर्मल चीज चाहिए नहीं, जो चाहिए वो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, जो चाहिए वो गेजेट नोटिफिकेशन में दिया है। मैं खाली यहां बोलूंगा
my young brother from the hostel, Dr. Ratan Lal ji, is here. I will repeat what I said earlier. मैं आपको बोल सकता हूँ, टीचर्स मूवमेंट ऑफ द कंट्री ये 1990s नहीं है, ये 2018 है. 2018 में जो सोचोगे, 91 में शायद यहां दूसरा चीज हुआ था, ठीक है. ये 2018 है, लोग दिल में तो अभी भी वही ख्वाब रखते हैं, बट मुंह पे ना जो सोचते हैं वो ला नहीं पा रहे हैं. इसके लिए who is to be given credit? The people. We, the people of this country, will have to be given the credit and no one else. With this, I will say, ये लड़ाई शुरुआत हुआ है. और my earlier speaker, young man, yes, we will have to decide कि खाली हमें reservation issue नहीं है. There are other issues 100% involved in that. रोजी रोटी का सवाल है, बट ऑर्गेनाइज सेक्टर में रोजी रोटी जहां से मिल सकता है वहां अटैक है. उस अटैक को पहले हम डिमोलिश करते हैं इन द कमिंग 15 डेज. दैट विल बी अ बिग स्टार्ट फॉर द मूवमेंट ओवर हियर. एंड अगेन वेलकम टू दिल्ली यूनिवर्सिटी. थैंक यू.